मध्य प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर शाजापुर जिले के कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारी की अहम बैठक ली, जिसमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के साथ गरीब और बेसहारा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक ने आसपास के ग्रामीण इलाकों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण को लेकर तहसीलदार से चर्चा की। विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान आम जनता को किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आम जनता से कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन का हर आदेश मानने की अपील की है। लोग मिल के यहाँ पे सबको भोजन कराने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। सब लोग यहाँ के लोगों के लिए जो भी व्यवस्थित व्यवस्था हो सकती है कि जो बाहर से आए, क्योंकि कुछ अभी पन्ना से चलते हुए पैदल लोग भी जा रहे थे, तो उन लोगों की भी व्यवस्था काला पीपल के जन सहयोग के द्वारा करी जा रही है। जन सहयोग से हम इस कोरोना को हराने के लिए, इसकी सजगता के लिए, इसके पूरी तैयारी के साथ हम यहाँ पे काम की तैयारी के जाए। देखिए, हमने करीब अपने काला पीपल में करीब करीब 200 से 250 लोगों को हम ला के ले आ चुके हैं। अभी जैसे मंडला के अंदर नाथ समुदाय के लोग ठहरनिया खोद के उन लोगों को ले आए, कुछ गुजरात में थे, कुछ मदरसों में बच्चे पढ़ते थे, उन लोगों को भी हम लोग जाने में सफल हुए। पर अब जो परिस्थितियां बन रही कि हर सरकार, राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर लिया। अभी भी हमारे पास मेघनगर बॉर्डर पे तो हमने वहां के विधायक हैं हमारे कांग्रेस के, कांतिलाल भूरिया जी, उनसे भी अभी मैंने बात करी और उनसे बात करके मैंने चर्चा करके कि इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करा के इनको लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।